दोस्तों सब्सक्राइब करें थिंगणू चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थिंगणू चैनल। मैं उरेल अख्तर और आज एक न्यू वीडियो के साथ खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को, सपोज वो सैमसंग हो या क्यू मोबाइल हो, किसी को भी अपने को अनलॉक कैसे कर सकते हैं अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं या आपका पैटर्न भूल गया है या फिंगरप्रिंट भूल गया है। इसमें मैं आपको मिसाल दूंगा और इसमें प्रैक्टिकल आपको जो करके दिखाऊंगा वो है सैमसंग गैलेक्सी S5, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका मैं फिंगरप्रिंट भूल गया हूँ, यानी मैंने उसे अनलॉक करना है, तो इस वीडियो में हम उसे अनलॉक करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ऑडियो जंगल। ये देखें, ये मोबाइल है इसका, वो मैं यानी फॉरगेट हो चुका है मुझे बैकअप लॉक और इसका फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको मैंने अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने का इसका एक ही तरीका है कि आपका डाटा इसमें से जो होगा वो आपका डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, आपका डाटा जो कार्ड में होगा वो नहीं फॉर्मेट होगा, बाकी हर चीज़ फॉर्मेट हो जाएगी आपके मोबाइल में जो भी होगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने बैटरी निकालनी है, इसकी बैटरी दोबारा डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पावर बटन यानी जो जिससे आप मोबाइल ऑन करते हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ अभी, पावर बटन, उसके बाद वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम जिससे वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, कम नहीं, अप, सिर्फ वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन और जो होम बटन है, इन तीनों का आपने एक ही वक्त में प्रेस करना है जैसे ये मैंने प्रेस किया। उसके बाद ऐसा कुछ होगा कि आपका मोबाइल होगा बूट और आएगा रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में आने के बाद आप जो है अपने मोबाइल को कंट्रोल करेंगे, वो इस तरह कंट्रोल करेंगे कि आप वॉल्यूम अप और डाउन से ये जो सिलेक्टेड मेन्यू है इसको नीचे और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने अगर नीचे लाना है तो मैं वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे लाऊंगा और पावर जो बटन है उससे मैं वो करूँगा। सबसे पहले तो आपने जो करना है, आपने आ जाना है वाइप कैश पार्टीशन, बल्कि वाइप कैश पार्टीशन कर देनी है पहले, उसके बाद आपने वो कर देना है, फॉर्मेट कर देना है। मैंने फॉर्मेट भी किया और यस कर देना आपने नीचे ला के, ओके, दोबारा पावर बटन दबाना है, तो आपके पास यहाँ वो होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आप दोबारा उसी मोड में चल जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ नीचे, अपने उसको लेके आता हूँ और दोबारा मैं वही ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। आपने दो बार नहीं करना, तो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो पहले बनाई है और दोबारा मैं डब कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपके वो कैश हो जाएगी, कैश आपने, कैश मेमोरी जो है वो भी आपने वाइप कर लेनी है, उससे नीचे वाला ऑप्शन है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम को रिबूट करना है और आपके सिस्टम रिबूट होगा, और उसके बाद आपने वेट करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट ये लेगा ऑन होने में। सेटअप कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अनलॉक हुआ या नहीं हुआ, देखें बगैर इससे अनलॉक हो रहा है, मैं इसको दोबारा अनलॉक करता हूँ, ये देखें। तो ये सिंपल सा तरीका था, इसे आप अपना किसी भी मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।